मनोबल को बढ़ाएं। चांद जैसे ना सही कमल जैसे हैं, चांद जैसे ना सही कमल जैसे हैं, मेरे अतिथि आप तो गुनगुनाते गजल जैसे हैं। अरे ख्वाबों में था तरासा जिसे, आप तो सभी संगमरमर के ताजमहल जैसे हैं। आज हम सब भारतवासी 71वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। यह स्वतंत्रता दिवस समारोह हम सभी को पूरे हर्ष उल्लास और खुशियों के साथ मनाना चाहिए, चाहे हम किसी धर्म मजहब जात के मानने वाले हों, क्योंकि यह त्यौहार किसी एक जाति धर्म मजहब का नहीं है, बल्कि लगभग 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। आज हम आजाद हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आज से 70-80 साल पहले हमारा देश गुलाम था। पश्चिम देश से आए हुए मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे। देश हमारा, धरती हमारी, मेहनत हमारा, लेकिन इस पर कोई हमारा अधिकार नहीं था। हम भारतीयों को तरह तरह से अत्याचार किए जाते थे। हमारी भारत माता के पास वीर सपूत होते हुए भी गुलामी के बेड़ियों में जकड़ी मुक्ति के लिए छटपटा रही थी। बहुत संघर्ष, मुश्किल और तन मन धन की अनर्थ कुर्बानियों के बाद आखिरकार वह दिन 15 अगस्त 1947 आ ही गया, जिसको हर भारतवासियों को बेसब्री से और वर्षों से इंतजार था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को एक भारत को सुनहरी आजादी मिली। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए जिन जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है, उनका नाम भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। इसीलिए तो उनके लिए स्पेशल शायर कहता है, चलो आज वो नजारा याद कर ले, चलो आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो जज्बा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो जज्बा याद कर ले, जिसमें बहकर पहुंची थी आजादी किनारों पर, जिसमें बहकर पहुंची थी आजादी किनारों पर, देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले। लेकिन आज बड़े दुखद पलों के साथ कहना पड़ता है कि कुछ भारतवासी, अपने ही लोग, जाति धर्म मजहब राजनीतिकता के बहकावे में आकर राष्ट्रीय एकता पर घात पहुंचाते हैं। शायद उनको यह अंदाजा नहीं कि कितने वीरों ने इस चमन को अपने खून से सींचा होगा। जो भी राष्ट्रीय एकता पर घात पहुंचाते हैं, जो भी भारतीय हो और जो भी अपने हो, शायद उनको अभी मालूम नहीं कि राम और कृष्ण का भूमि है, गांधी और गौतम का देश है, अशोक और अकबर की वाटिका है, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आजादी के लिए खून का सागर उड़ेल दिए थे। यहाँ पर भारत में एक से लेकर एक बढ़कर हस्तियां जन्म लिए, विविधता में भी एकता का दर्शन करा देने वाला मात्र इकलौता देश हमारा भारत ही है। हम सभी भारतवासियों को मिलजुल कर रहना चाहिए, राष्ट्रीय एकता पे घात नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे हम किसी धर्म मजहब के हों, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और सब मिलकर लगभग 125 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। इस सांस्कृत मंच पे मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल श्री विजय कुमार पांडे सर और यहाँ के प्रबंधक श्री रामगति प्रजापति जी को आभार व्यक्त करता हूँ। और इस स्कूल में जितने भी बच्चे विद्याध्ययन कार्य करते हैं और लगे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।